एवन कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं चना दाल का बगिया बना रही हूँ। इसके लिए चने दाल को उबाल लें 2-3 सीटी में और इसे अच्छे से इसको फाइन पेस्ट बना लें। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, इसमें काला जीरा डालें और जब ये अच्छे से कड़क जाए तो इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची और जीरा का पेस्ट डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से भून लें मसाले को। ये बगिया खाने में काफ़ी यमी है, एक बार जरूर बना के इस तरह से ट्राई करें। इसका पराठा भी बना सकते हैं इस दाल का। अब इसमें थोड़ी सी पानी डालें और इसे अच्छे से रोस्ट करें। आप इस मसाले में पूड़ियाँ, पराठे और बगिया, ये तीनों चीज़ बना सकते हैं। अब हम ये चना दाल जो पीसे हुए वो डाल देंगे और इसे अच्छे से भूंज लेंगे। जब तक इसमें से खुशबू आने लग जाए तब तक इसे फ्राई करें, भूंजे अच्छे से। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे भूंज के साइड कर दें। अब हम चावल का आटा लेंगे, 2 कटोरी चावल का आटा लिया मैंने, इधर गर्म पानी चढ़ाया है। अब गर्म पानी लेके इससे हम डो लगाएंगे इसका, चावल के आटे का। हल्का सुसुम पानी से इसे डो करना है और कढ़ाई में हम पानी ढक के रख देंगे गर्म होने के लिए। इधर हम चने की दाल का बगिया बनाएंगे, पीठा जिसे बोलते हैं। अब इसे हम हाथ से गोल गोल लोई कर लेंगे, इसमें दाल की स्टफिंग को भरेंगे। ये खाने में काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें। इसे हम मस्टर्ड की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अब इसके हम अच्छे से राउंड राउंड कर लें और इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब हम खोलते हुए पानी में इसे डाल देंगे एक एक करके और सारे बना के हम रेडी कर लेंगे। ये बगिया हमारे रेडी है, ये बहुत यमी है। इसमें मैंने नारियल भर के भी बनाया है। ये हमारी रेडी है। अब हम चटनी बनाएंगे, इसके लिए हरी मिर्च ले, लहसुन और ये और ब्लैक मस्टर्ड। इसमें हम नींबू, स्वाद अनुसार नमक, नींबू का जूस डालेंगे। इसमें 5 चम्मच मैंने मस्टर्ड ली है, मस्टर्ड सीड्स। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे फाइन पेस्ट बना ले। ये दाल का बगिया हमारा रेडी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये काफ़ी यम्मी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें बना के।